1 जून से मलेरिया रोधी मास शुरू हो गया है। जल जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम लोगों को मलेरिया से खबरदार करने में जुट गया है। मलेरिया के दुष्परिणामों, रोकथाम और इलाज से जन जन को अवगत कराने के लिए कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर कौशिक राठौड़ ने आज मीडिया से एक बैठक की। इस दौरान डॉक्टर कौशिक राठौड़ ने मलेरिया के फैलाव, रोकथाम और उपचार के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि दमन को मलेरिया फैलाव संबंधी श्रेणी के निचले स्तर तक जाकर दमन दीव को मलेरिया मुक्त बनाना है। दमन स्वास्थ्य विभाग और नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम दमन और दीव 1 जून और 37 जून तक एंटी मलेरिया मंथ का प्रोग्राम करने जाने वाले हैं। उसमें हम लोग अलग अलग प्रोग्राम करेंगे, हर पंचायत में और जितने भी स्कूल्स है उसके अंदर हमारे आदमी जाके वहाँ प्रोग्राम करेंगे, जिसमें मलेरिया के बारे में जानकारी देंगे और उसको कैसे नाबूद किया जाए और उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए उसके बारे में जन जागृति का अभियान चलाएंगे। उसमें अलग अलग जगह में हम लोग पैम्पलेट, होर्डिंग, बैनर लगाएंगे और SMS द्वारा लोगों को जागरूक करेंगे। दूसरे के जितने भी केबल और न्यूज़पेपर है उसमें हम लोग इसकी जानकारी देंगे और जहाँ भी नुक्कड़ नाटक द्वारा जितने भी चाल है, जितने भी फैक्ट्री है उसमें जाके हमारे आदमी जाके 10 दिन तक जो मलेरिया रथ है वो पूरा दमन में जाएगा और मलेरिया के बारे में जागृति करेंगे। दमन में जो मलेरिया है वो API लेस देन 1 है और हम लोग बाय 2020 दमन से मलेरिया को नाबूद करने की कोशिश में है और इसके अंदर आप सब लोगों का सहकार चाहिए। और जहाँ भी पानी का जमा होता है, जैसे टंकी है, ड्रम है, नारियल के खोल है, प्लास्टिक के आइटम्स है, जितने भी यहाँ वहाँ पड़े हुए हैं उसको निकाल के रख दे। और दूसरा कि आपके घर के छत के ऊपर या घर के आजू बाजू जितने भी बैकयार्ड में या कोई भी जगह में या जो बिन उपयोगी वस्तु है पड़ी है उसको बारिश के पहले उसको जैसे हो सके उस निकाल दें। जो निकालेंगे तो बरसात का पानी उसमें जमा नहीं होएगा और ये मलेरिया और डेंगू के मॉस्किटो पैदा होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और इसमें आपको आपके घर के आजू बाजू सब जगह में देखना है और यही सहकार मलेरिया और डेंगू को कम करने में हमको कामयाबी दिलाएगा।